हमारी सहयोगी दीपाली भी लगातार बनी हुई है। दीपाली, ओवर टू। तो इस बीच एक और खबर आ रही है, आपको बताए मतदान वोट डाला मतदान से पहले यहाँ पर वो जिम में पसीना बहाते नजर आए हैं ब्रजभूषण सिंह, और कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी और बेटे करण भूषण सिंह की जीत का दावा भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा वोट आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वोट डालने से पहले जिम में पसीना बहाते हुए नजर आए और बेहद ही कॉन्फिडेंट इस बार भी नजर आ रहे हैं कि जीत बिल्कुल तय है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो भी मुद्दों पर नहीं बल्कि जो उनका दबदबा है उसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और इसी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि उनका जो बेटा है वो और ज्यादा वोटों से जीतेगा। तो जिम में भी पसीना बहाया है और उसके बाद मतदान भी किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर लगातार मतदान जारी है। हमारे साथ ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। अब मतदान चल रहा है जिसका इंतजार था यहाँ की जनता को भी, कितनी उम्मीद लग रही है और जैसा कि आप दावा लगातार कर रहे थे अभी क्या कुछ आपको सुनने में आ रहा है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी भीड़ लग रही है? देखिए अभी तो मैं थोड़ा व्यायाम करके निकला हूँ, मेरे पास कोई बहुत खबर नहीं है, लेकिन अंतिम परिणाम जब 4 जून को आएगा, गिनती होगी, तो कैसरगंज का जो वोट प्रतिशत है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो बहुत बड़ा अंतर होने वाला है। हम देख पा रहे हैं कि कोई चिंता नहीं है आपको, क्योंकि आराम से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। करण भूषण भले चुनाव में लड़ रहे हैं लेकिन प्रतिष्ठा आपकी दांव पर लगी है। लोग बार बार यही कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो चेहरा है जिनको लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी जो भी होगा लेकिन लड़ेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह जी। देखिए चिंता उनको होनी चाहिए जो 5 साल आराम किए हैं, जो 5 साल आराम किए हैं, एसी में रहे हैं, क्षेत्र में गए नहीं, गांव में गए नहीं, उनको चिंता करने की ज़रूरत है। जिसको जो अपने खेत को तैयार करके रखा हुआ है और बढ़िया फसल बो करके रखा हुआ है, खाद पानी डाल रखा है, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसरगंज में खाद पानी पूरा 5 साल लगातार पड़ता है, कभी कोई जनता से गैप नहीं रहता है, कभी दूरी नहीं रहती है, तो इसलिए यहाँ चिंता का कोई विषय नहीं है। चिंता हमारे विरोधी करेंगे। अच्छा, ये जो परिणाम आएंगे ये विरोधियों का जवाब भी होगा, क्योंकि तमाम तरह के आपके ऊपर आरोप भी लगाए गए पूर्व में, तमाम विरोधियों ने घेरा भी, तो ये क्या वो जवाब भी होगा? हाँ, थोड़ा तो उसका असर होगा, थोड़ा उसका असर होगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इस बात को लेकर के गुस्सा है।